हेलो गाइस वट्स गोइंग ऑन हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन मैं हूं आपका द फ्रेंडली नेबरहुड गाइड और आपका स्वागत है वॉच रेम के एक और वीडियो में और गाइस 2021 हम सबके लिए जैसा भी गया हो बट एज ए मार्वल लवर एंड ओवरऑल मूवी लवर 2021 ट्वेंटी वन वॉज ए प्रिटी गुड ईयर एंड थैंक्स टू स्पाइट मैं नो वे होम वी विफ्ट ट्वेंटी ट्वेंटी गुड नोट बट नाउ इट्स ट्वेंटी और हमारे आगे बहुत से अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज होने के साथ साथ बहुत से तगड़े तगड़े मूवीज और सीरीज भी हैं और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वाट मार्वल फॉर अस इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू गाइस स्टार्ट करते हैं मूवीज के साथ और पहली मूवी जो आने वाली है वो है जनवरी 28 को और ये मूवी होगी बायो माइकल मॉर्बियस के ऊपर जिनको एक रेयर ब्लड डिजीज होती है और वो अपने को क्योर करने के लिए अपने पे एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके दौरान वो एक वैम्पायर बन जाते हैं एंड ऑल्सो दिस मूवी विल बी सेट इन सोनी यूनिवर्स सो मे बी देर कैन बी ए कैम्यू फॉर वेनम ऑल्सो और माई ओवर ऑप्टिमेस्टिक माइंड सेज मे बी देर ए चांस ऑफ एंड्रू गफी शोइंग अप लाइक हु नोस मैं नहीं बोल रहा हो सकता है हो सकता है मैं नहीं बोल रहा देन कम्स माई मोस्ट अंटिस्पेक्टेड मूवी ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैटनेस रिलीजिंग ऑन मे सिक्स और भाई इफ यू थिंक की नथिंग कैन गो बिगर देन स्पाइडर एंड नो वे होम तो गाइस दिस मूवी दिस मूवी राइट हियर कैन गो मच बिगर देन स्पाइडरमैन दोवे हो लाइक like जो फैन सर्विस नोवे होम ने डिलीवर किया था ये मूवी उससे टेन टाइम ज्यादा कर सकती है एंड आई एम नॉट ओवर एक्साजरेटिंग बिकॉज गाइस लेट मी टेल यू फर्स्ट तो सैम रैम विल बी डिरेक्टिंग दिस मूवी फिर हमें इस मूवी में एक डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं उनके भिन्न भिन्न वेरिएंट्स देखने मिलेंगे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी स्ट्रेंज सुप्रीम देन फाइनली इस मूवी में हमें ईवल्स कार्लेट विच का फुल फॉर्म देखने मिलेगा देन भाई लोग इस मूवी के कैम्योज लाइक एनीथिंग इज पॉसिबल मैन लाइक आई डोंट इवन नो वट टू एक्सपेक्ट बिकॉज काइस दिस मूवी इज ऑल अबाउट मल्टीवर्स लाइक जिन कैरेक्टर्स को हमने सालों पहले देखा था उन्हें हम फिर से देख पाएंगे लाइक वी आर गोइंग टू सी एक्स मैन फैंटेस्टिक फोर टो भी प्रोफेसर एक्सिवियर और ऐसे आई डोंट नो हाउ मेनी कैम्योज इवन र्यूमर्स के हिसाब से वोंडा और प्रोफेसर एक्स लड़ने भी वाले हैं लाइक like, ये मूवी इनसेन होने वाली है एंड आई कैंट वेट फॉर दिस देन कम्स एन अदर बिग बॉय थॉर लव एंड थेंडर जो कि एट्थ ऑफ जुलाई को रिलीज होगी एंड इसको डिरेक्ट कर रहे हैं टाइका वाइट ई -टी, टी मैंने ठीक से प्रनाउंस किया है कोई मत बोलना टाइका वाइट ई टी, -टी जिन्होंने थॉर रैगना रॉक को भी बनाया था एंड टू बी ऑनेस्ट रैगना रॉक मेरी फेवरेट थॉर मूवी थी बट यहाँ तो मूवी की कास्ट और क्र्यू की बातों से पता चल रहा है कि ये मूवी ना कि रैगना रॉक से बेटर होगी बट विल भी मच बिगर टू एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी थॉर ऑल्सो बिकॉज गाइस हमने थॉर को कब देखा था लास्ट टाइम एंड गेम में देखा था एंड नॉट ओनली दिस दिस मूवी हैज़ ए लॉर्ड टू मेक यू जंप आउट ऑफ यर पजामाज लाइक गाइस क्रिस्टन बेल जो कि बहुत लोगों के फेवरेट बैटमैन हैं मे बी रॉबर्ट पैटिनसन विल चेंज दैट हुट हाँ क्रिस्टन बेल इस मूवी के मेन विलन होंगे गौर द गॉड बुचर एंड आई एम सीरियसली एक्साइटेड टू सी हिम और बस यही नहीं जेन फॉस्टर इस मूवी में फीमेल थॉर बनेगी विच इज़ प्रिटी अम्यूजिंग टू ऑल्सो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी इसमें किसी ना किसी पॉइंट में दिखाई देंगे सो so गाइस ये मूवी एक होल पैकेज होने वाली है जो हमें जुलाई को देखने मिलेगी देन साल के एंड इलेवेंथ ऑफ नवंबर को हमें ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर देखने मिलेगी एंड गाइस ये मूवी हम सबके लिए स्पेशल तो होगी ही बट बहुत इमोशनल भी होगी बिकॉज ऑफ चैडविक बोस्मेन बिकॉज वी ऑल नो नो वन कैन रिप्लेस हिम और ये चीज़ मार्वल ने भी कंफर्म कर दिया था कि टिचाला के लिए वो रीकास्ट नहीं करेंगे बट रूमर्स के हिसाब से हमें मूवी के किसी पॉइंट में एक नया ब्लैक पैंथर देखने ज़रूर मिलेगा बट इट्स नॉट क्लियर वो कौन होगा लाइक देर आर मल्टीपल टॉक्स अबाउट सूरी इवन कुछ बोल रहे हैं टिचाला और नाकिया का एक बेटा था जो कि ब्लैक पैंथर बन सकता है बट इट्स नॉट क्लियर येट सो आई थिंक वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द मूवी टू कम एंड दैट्स इट फॉर मूवीज़ का अब बात करते हैं 2022 के सारे अपकमिंग सीरीज के लिए तो पहली सीरीज़ विच आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इज मून नाइट और मून नाइट के कैरेक्टर को ऑस्कर आईसैक प्ले करेंगे एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ उन्होंने एक्समैन अपोक्लिप्स में अपोक्लिप्स का रोल प्ले किया था विच आई रियली लाइक्ड बट ये सेम चीज़ मैं मूवी के लिए नहीं कह सकता सॉरी बट हाँ मून नाइट ऑस्कर आइसैक प्ले करेंगे और वो मार्क स्पेक्टर बनेंगे जो कि एक एक्स मरीन थे वो टर्न इन टू ए मर्सनरी जिसको डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है सो थ्रू आउट द सीरीज़ हमें उनके डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ देखने मिलेंगे एंड लेटर ऑन ही गेट्स जूजन बाई एन इजिप्शियन गॉड खॉन्सू जिससे वो मून नाइट बन जाते हैं एंड द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग इस सीरीज़ के बारे में जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि र्यूमर्स के हिसाब से ये डिजनी प्लस की सबसे वायलेंट एंड डार्क होगी लाइक गाइज दिस सीरीज़ विल बी द मोस्ट वायलेंट एंड डार्क सीरीज ऑफ डिजनी प्लस विच इज़ रियली क्रेजी लाइक डिजनी इतनी बनाती नहीं है वायलेंट

जो कि एक लॉयर है हु डील्स विद सुपर हीरो रिलेटेड केसेस एंड इट रियली कैन बी इंटरेस्टिंग बिकॉज उनके ये केसेस के दौरान हमें डिफरेंट सुपर मिल सकते हैं एंड ऑल्सो इसमें हमें हमारे हल्क मार्क रफलो भी दिखाई देंगे बिकॉज अज यू नो जेनिफर वॉल्टर ब्रूस बैनर की कजिन है एंड ऑल्सो वन थिंग जो कि सभी ने नोटिस की होगी कि मार्क रफलो फिर से ब्रूस बैनर बन गए हैं बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने उन्हें एंड गेम में देखा था तब वो प्रोफेसर हल्क थे बट सांची के पोस्ट क्रेडिट में वो फिर से अब ह्यूमन फॉर्म में आ गए थे और ये चीज भी हमें सी हल्क में जानने मिलेगी कि हाउ ही ट्रांसफॉर्म बैक एंड देन द बिगेस्ट थिंग जिसके लिए हम सब सी हल्क का वेट कर रहे हैं वो है हमारे प्यारे अच्छे लॉयर इस सीरीज में दिखाई देने वाले हैं एंड नॉट ओनली फॉर अ शॉर्ट कैमियो और समथिंग उनका एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट रोल होगा सी हल्क में एंड इट रियली मेक सेंस बिकॉज वो भी एक लॉयर हैं एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर इज रिटर्न एंड आई नो एवरी डेयरडेबल फैन आउट देयर कैन रिलेट टू मी देन बात करते हैं सीक्रेट इन्विजन के बारे में अब मैं एक बात बोलता हूँ उसको इमेजिन करो सीक्रेट इन्वेजन स्टार्ट होता है मार्वल का इंट्रो खत्म हो जाता है फिर स्टार्ट होता है निक फ्यूरी एक आर्टिफिशियल बीच पे बैठ के नारियल पी रहे हैं और उनके बगल की कुर्सी पे टोनी स्टार्क बैठे हैं हाँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाले टोनी स्टार्क हो गया ना माइंड ब्लो तो ये पॉसिबल है कि नहीं हमें सीक्रेट इन्वेजन में ही पता चलेगा जिसमें हमें फाइनली सैमुअल एल जैक्सन के निक फ्यूरी देखने मिलेंगे वैसे बेचारा पीटर पार्कर समझ रहा था कि निक फ्यूरी धरती पे है पर वो अपना ही कहीं लगे हुए थे बट सीरियसली दिस सीरीज कैन चेंज द होल एम सी यू इन वन एपिसोड वट इफ जो भी जिसको भी आज तक हम देख रहे थे सारे स्क्रल हो लाइक like, इतना बड़े लेवल पे मार्वल नहीं काटेगी बट स्टिल साउंड्स इनसेन राइट बट हाँ ये चीज़ इस सीरीज को एक्साइटिंग बनाती है लेट्स टॉक अबाउट मिस मार्वल तो कैप्टन मार्वल की सीक्वल मार्वल्स को ज्वाइन करने से पहले कमाला खान जिसको ईमान विलानी प्ले करेंगी उन्हें अपना शो मिला है जिसमें कमाला खान का इंट्रोडक्शन होगा एम सी यू में एंड आई फील लाइक उसके पावर्स अरे बिट सिमिलर टू मिस्टर फैंटेस्टिक मे बी बट इन कॉमिक्स सीजन इन ह्यूमन सो इट विल बी इंटरेस्टिंग हाउ दे विल गो विथ हर इन दीरीज देन लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल तो गाइस इसके नाम से ही पता चल रहा है ये दिसंबर को ही आएगी एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर जेम्स गन दिस विल बी फनी एंड एंटरटेनिंग एज अदर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी प्रोजेक्ट्स बट इट विल बी इम्पोर्टेंट टू क्योंकि जेम्स गन ने कहा है कि ये सीरीज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम टू और नेक्स्ट ईयर आने वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम थ्री के टाइम गैप पर होगी सो इट विल बी ए गुड वॉच आई थिंक तो गाइस दिस विल बी ऑल यही सारी सीरीज़ और मूवीज़ हमें इस साल दिखने मिलेंगे सो प्लीज़ टेल मी आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किस मूवी और सीरीज़ के लिए हो मैं तो एक्साइटेड सबसे ज़्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और मून नाइट के लिए हो एंड गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड आगे के सारे मार्वल रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू एंड ऑल्सो गाइज इफ़ यू लाइक यू कैन फॉलो मी ऑन अदर सोशल्स जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रदान कर दिया है थैंक यू